फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज एंड आप लोग का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल लकी आरजे में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बर्थ सर्टिफिकेट के बारे में। जैसे कि दोस्तों आप सभी लोग को पता ही होगा, बर्थ सर्टिफिकेट भारत सरकार की एक बहुत बड़ी वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप किसी भी उम्र के हो, आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार से बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों दो नियम होते हैं। सबसे पहला नियम दोस्तों, अगर आपका जन्म 21 दिन के अंदर हुआ है, यानी कि दोस्तों अगर आपका एक महीने हुआ है जन्म होते हुए, तो आप लोग बहुत ही ईजिली तरीके से, ऑनलाइन तरीके से ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बना सकते हो। और आज की इस वीडियो में मैं वो पूरा लाइव बताने वाला हूँ। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो जाती है, अगर आपका जन्म 21 डेज से पार हो चुका है, यानी कि दोस्तों 2 साल 3 साल 5 साल 18 साल 19 साल 20 साल हो गया है और आपका बर्थ सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है, तो दोस्तों आप लोग किस प्रकार से बनाओगे। तो इस वीडियो में मैं पूरा डिटेल्स में बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से बनाओगे। तो सबसे पहला नंबर दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं, अगर आपका एज 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल या 18 साल 19 साल 20 साल हो गया है, तो आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट किस प्रकार से बनाओगे। ठीक है, तो दोस्तों आपको अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के लिए किसी भी तरह का ऑनलाइन प्रोसीजर नहीं मिलेगा। किसी भी स्टेट में ऑनलाइन प्रोसीजर चालू नहीं किया गया है जिनका भी एज 22 डेज से ज्यादा हो गया है। ठीक है, यदि आप 18 साल के हो, 20 साल के हो, किसी भी कोई मैटर नहीं करता, अगर आपका एज ज्यादा हो गया है तो आपको अपने नजदीकी रजिस्ट्रार में जाके एक सिंपल सा फॉर्म आता है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस फॉर्म को फिलअप करके आपका जो भी नजदीकी रजिस्ट्रार है वहां पे जाके आप लोग को जमा कर देना है वो फॉर्म, और कुछ पैसे भी अमाउंट करेंगे जैसे 200-300 ये पैसे दे देना है, आपका बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगा। ये तो हो गया पहला नियम, जिसका दोस्तों 18 साल 19 साल 20 साल हो गया है उसको किस प्रकार से बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, मैंने आप लोग को कंप्लीट जानकारी बता दिया। लेकिन दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं, अगर आपका जन्म 22 डेज के अंदर हुआ है, यानी कि दोस्तों 22 दिन हुआ है आपका जन्म होते हुए, उसी के अंदर में अगर आप लोग को बर्थ सर्टिफिकेट बनाना है, तो आप लोग बहुत ही इजी तरीके से घर बैठे ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अगर आपका जन्म 22 डेज तक हुआ है और आपको बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत है, आपके बच्चों को जरूरत है, तो आप किस प्रकार से ऑनलाइन अप्लाई करोगे और ऑनलाइन ही अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनाओगे, इस वीडियो में आप लोग को कंप्लीट जानकारी मिलेगा। तो चलिए दोस्तों इस कमाल की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को एक लिंक मिल जाएगा, यहीं से आप लोग का, अगर आप लोग के बच्चे का जन्म 0 से लेकर 21 डेज तक हुआ है और उसी डेट में है, तो आप यहीं से बनवा सकते हो, भारत के किसी भी स्टेट में हो यहीं से बनवा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग को यूजर आईडी एंड पासवर्ड डालना होगा, कैप्चर डालना होगा, लॉगिन करना होगा। अगर आपके पास इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड नहीं है तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जनरल पब्लिक साइन अप, आप इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद आप अपने बच्चे का पूरा नाम डाल दीजिए, ईमेल आईडी यहाँ पे पूरा डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पे आप किस डेट को अप्लाई कर रहे हैं वो पूरा डेट यहाँ पे चूज करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा, आप वो डेट चूज कर लीजिए। यहाँ से आप लोग को अपना स्टेट को चूज करना पड़ेगा, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना पड़ेगा, सब डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, विलेज को यहाँ पे चूज करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपका रजिस्टर ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ भी फिलअप नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद कैप्चर को फिल कीजिएगा एंड रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा। जैसे दोस्तों आप लोग रजिस्टर्ड पे क्लिक कर दीजिएगा, जो भी आप लोगों ने ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी में इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, जिसको आप यहाँ पे फिल करोगे, कैप्चर को फिल करोगे एंड लॉगिन पे क्लिक कर दोगे। बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आप लोग का बर्थ का रजिस्ट्रेशन का, तो यहाँ पे बर्थ के सेक्शन पे क्लिक करना है, एड बर्थ रजिस्ट्रेशन पे आप लोग को क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं दोस्तों आपका पूरा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आप लोग को हिंदी या इंग्लिश जो भी आप लोग का हिसाब से है आप वो अपना लैंग्वेज चूज कर लीजिएगा, जो भी आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। आप लोग को अपना डेट ऑफ बर्थ को फिलअप कर देना है, इसके बाद सेक्स यहाँ पे यानी कि मेल या फीमेल हो उसको चूज करना पड़ेगा। दोस्तों फर्स्ट नेम डालना होगा, जो भी बच्चे का फर्स्ट नेम रखा गया है उसको फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होगा। आधार कार्ड नंबर बना नहीं है तो छोड़ दीजिए, ये जरूरी भी नहीं है। इस बार दोस्तों प्लेस ऑफ बर्थ में आप यहां पे क्लिक कीजिएगा, घर में हुआ है तो घर पे क्लिक कर दीजिए, अगर नहीं हुआ है तो आप सिलेक्ट ऑफ प्लेस भी कर सकते हो। ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट को यहां पे ऑटोमेटिक आएगा, फिलअप नहीं करना पड़ेगा, विलेज भी ऑटोमेटिक आएगा रजिस्ट्रेशन के हिसाब से, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को फादर का इन्फॉर्मेशन डालना होगा, जिसके लिए उसके फादर का पूरा नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होगा, फादर का आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर जरूरी है डाल दीजिएगा। ठीक है, इसके बाद मदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, तो मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम डालना होगा, उनका आधार नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर अगर है तो डाल दीजिए। इसके बाद दोस्तों एड्रेस ऑफ परमानेंट बर्थ ऑफ चाइल्ड, तो यहाँ पे एड्रेस पूरा देना होगा, जिसके लिए पोस्ट ऑफिस फिलअप कीजिए, स्टेट डिस्ट्रिक्ट ये सब चीज़ें फिलअप की होगी,
पिन कोड यहाँ पे डालना है। इसके बाद दोस्तों स्ट्रीट यानी कि गली या मोहल्ला का पूरा नाम डाल दीजिएगा। इस बार दोस्तों परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम ही है तो आप लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। ठीक है, इस बार कुछ नहीं करना है, यहाँ चेकबॉक्स जो दिया गया है उसको फिलअप करना है, पूरा नाम डालना है बच्चे का, हालांकि ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, पूरा एड्रेस यहाँ पे फिलअप करना है, पिन कोड डालना है एंड सेव पे क्लिक कर देना है। तो जैसे सेव करोगे यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट और सब डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे विलेज भी ऑटोमेटिक आ जाएगा, अगर नहीं है तो आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, रिलीजन में आप लोग को कौन सा, हिंदू, इस्लाम, जो भी आपका रिलीजन है आप उसको यहाँ पे चूज कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद फादर लेवल एजुकेशन, आपके फादर ने कितना एजुकेशन प्राप्त किया है, अगर मिडिल क्लास तक किया है तो मिडिल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद मदर लेवल एजुकेशन कितना तक किया है, अगर नहीं किया है तो आप मिडिल पे ही क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी मैंडेटरी नहीं है। फादर ऑक्यूपेशन, फादर क्या काम करते हैं उसको यहाँ पे आप चूज कर सकते हो। नॉट वर्कर है तो नॉट वर्कर पे क्लिक कर दीजिए। मदर यहाँ पे क्या काम करते हैं, अगर नॉट वर्कर है तो नॉट वर्कर पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस बार दोस्तों अदर इन्फॉर्मेशन में ये सारे इन्फॉर्मेशन फिलअप करना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है टाइप ऑफ अटेंशन ऑफ डिलीवरी, आप इस पर क्लिक कीजिए। तो अगर आपका जो भी डिलीवरी नॉर्मल हुआ है तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रेडिशनल बर्थ अटेंडेंस, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका डिलीवरी डॉक्टर के द्वारा हुआ है तो नीचे ऑप्शन दिया गया डॉक्टर या नर्सेस, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद दोस्तों नीचे ऑप्शन दिया गया नॉर्मल आपका डिलीवरी हुआ है या हार्ड हुआ है, तो आप नॉर्मल पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों बर्थ वेट, आपका जन्म के वक्त कितना वेट था उसको यहाँ पे फिलअप करना पड़ेगा। ठीक, चीजें जरूरी नहीं है, अगर आप कुछ रिमार्क डालना चाहते हो तो रिमार्क डाल सकते हो एंड सेव पे क्लिक कर दीजिए। कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे, अगर कुछ भी गड़बड़ है इसके डिटेल्स में तो आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो, अगर हालांकि गड़बड़ नहीं है तो आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर दो। ठीक है, यहाँ पे एक एड्रेस दिया गया है, इस एड्रेस में ये जो भी फॉर्म निकला है आप इसको प्रिंट ले लोगे एंड इस एड्रेस में आप लोग को भेज देना है, एड्रेस में रजिस्ट्रार और एड्रेस में जाके इस फॉर्म को जमा कर देना है। ठीक है, जमा कर देने के बाद इसके साथ एक अटैचमेंट भी लगेगा यानी कि आधार कार्ड भी लगेगा एंड कुछ डिक्लेरेशन फॉर्म भी लगेंगे जो कि आप लोग को उस ऑफिस में जाके पता चल जाएगा। ठीक है, अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीका होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं नहीं बता सकता, तो आप लोग को इसको जमा कर देना, जमा कर देने के बाद एक सप्ताह के अंदर सर्टिफिकेट आपके पास आ जाएगा। ठीक है, कर दोगे और अपना फॉर्म को जमा कर दोगे, इसके बाद यहीं से आप लोग अपना बर्थ सर्टिफिकेट का स्टेटस देख सकते हो, जिसके लिए बर्थ के सेक्शन पे आइएगा, यहाँ पे स्टेटस का ऑप्शन मिल जाएगा। स्टेटस देख के अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता है एक डेढ़ सप्ताह के अंदर तो आप लोग यहीं पे आके डाउनलोड कर सकते हो। आशा करता हूँ इस वीडियो में काफी अच्छी जानकारी मिली होगी। मिलते हैं दोस्तों और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो साथ, तब तक के लिए टाटा एंड